नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत को वीर सपूतों की धरती माना जाता है। यह हमेशा से महान शासकों का देश रहा है। अंग्रेजों से पहले अलग अलग राज्यों में कुछ वीर पुरुषों यानी कई वीर योद्धाओं का शासन रहा और उन्होंने कई राज्यों से लड़ाई कर दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाने का काम किया। ऐसे ही हम 10 वीर राजाओं के बारे में आज आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं महान योद्धा पोरस की, जिन्हें इतिहास में प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माना जाता है, जिन्हें पुरु के नाम से भी जाना जाता था। पोरस और सिकंदर एक ही काल के योद्धा माने जाते थे। इतिहासकारों की माने तो सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया था तो अन्य राज्यों की तरह पोरस ने अपनी गुलामी स्वीकार नहीं की। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना 50,000 से भी ज्यादा की थी, वहीं पोरस की सेना की संख्या 20,000 के आसपास ही थी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और राजा पोरस के साथियों और उनकी बुद्धि की कुशलता के सामने सिकंदर टिक नहीं सका। फिर सिकंदर ने पोरस को संधि प्रस्ताव भेजा, जिसे पोरस ने मान लिया। दोनों के बीच समझौता हुआ कि पोरस सिकंदर को आगे जाने देगा और आगे युद्ध में सिकंदर की मदद करेगा। सिकंदर ब्यास नदी तक जो भी जीतता हुआ जाएगा वो पोरस को देगा। इससे सिद्ध होता है कि पोरस बहादुर था, योद्धा था और इस वजह से उसका नाम भारत के वीर योद्धाओं में से एक माना जाता है, जिसका लोहा सिकंदर ने भी माना। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की, यानी कि मैसूर का शेर, जो कि आक्रामक तो थे ही, साथ ही उनकी सूझबूझ और उनकी रणनीतियां उन्हें एक महान योद्धा बनाती हैं। टीपू की एक जो खूबी थी, या इसे कुछ और कहें, टीपू अपने दुश्मनों को छिपकर मारते थे। अंग्रेजों से लड़ने के लिए मुगल और मराठों से भी टीपू ने हाथ मिला लिया था। ये एक अकेला हिंदुस्तानी अंग्रेजों पर भारी पड़ा था। सिर्फ अंग्रेजों को खत्म करने की रणनीति ही टीपू सुल्तान के दिमाग में घूमती थी। इसके अलावा एक और जो उपलब्धि टीपू के नाम से जुड़ी थी वो थी कि उन्हें दुनिया का पहला मिसाइल मैन माना जाता है। लंदन के साइंस म्यूजियम में अभी भी टीपू सुल्तान की मिसाइल रखी हुई है। अब बात करते हैं एक और वीर सपूत की, महाराणा रणजीत सिंह। इनकी वीरता कुछ ऐसी थी कि जब पूरा देश अंग्रेजों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उस वक्त भी महाराणा रणजीत सिंह ने अपने शौर्य और पराक्रम के चलते अंग्रेजों को अपने साम्राज्य में फटकने भी नहीं दिया था। रणजीत सिंह ने कई युद्ध लड़े और उन्हें जीता भी। इनके खजाने का हर तरफ बोलबाला था। एक इतिहासकार ने रणजीत सिंह के बारे में कहा था कि अगर वो एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे भारत को जीत सकने का मादा रखते थे। रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब बहुत ताकतवर हो चला था। उन्होंने ही हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर और सोना मढ़वाने का काम किया। तभी से गुरुद्वारे का नाम गोल्डन टेम्पल या फिर स्वर्ण मंदिर पड़ गया। बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी राजा रणजीत सिंह के पास ही था, लेकिन जैसे ही साल 1839 में रणजीत सिंह ने अपने प्राण त्यागे, वैसे ही उनकी गद्दी मिली उनके बेटे दिलीप सिंह को। उसके बाद उनका अंग्रेजों के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा दे दिया गया। फिर बारी आती है बाजीराव पेशवा की, जिन्हें पेशवा बाजीराव भल्लाल के नाम से भी जाना जाता था। वो मराठा के ध्वज को दिल्ली की दीवारों पर लहराता हुआ देखना चाहते थे और क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था तो वो हिंदुत्व स्थापित करना चाहते थे। ये एक अकेला ऐसा योद्धा था जिसने 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। भारत में बाजीराव पेशवा के समय में सिर्फ उन्हीं का सिक्का चलता था। मुगल ताकत को दिल्ली से खदेड़ने के लिए पेशवा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। राजा छत्रसाल पेशवा की मदद से ही बुंदेलखंड को वापस पा पाए थे। अब इस लिस्ट में अगर वीर योद्धा महाराणा प्रताप को भूल जाएं तो गलत होगा। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवाने वाले महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। मुगलों के सामने कभी न झुकने वाले महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में बहलोल खान पर ऐसा हमला किया था कि युद्ध में लड़ने वालों और उनके घोड़ों के दो टुकड़े हो गए थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक इतना तेज दौड़ता था कि जमीन पर पड़ते उसके पैर दिखाई नहीं देते थे। 30 साल तक कोशिश करने के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका था। अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ एक डील की थी, जिसमें कहा गया था कि अगर महाराणा प्रताप अकबर के आगे झुकते तो आधा भारत महाराणा प्रताप को दे दिया जाता। लेकिन महाराणा प्रताप ने कह दिया था कि मर जाऊंगा लेकिन मुगलों के आगे झुकूंगा नहीं।
अब बारी आती है शिवाजी महाराज की। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुत्व खतरे में था और देश के ज्यादातर राजाओं ने मुगलों के आगे हथियार डाल दिए थे। फिर सन 1627 में एक वीर का जन्म हुआ था, नाम था छत्रपति शिवाजी और ये बने मराठा साम्राज्य के संस्थापक। लोग आज भी छत्रपति शिवाजी को देवताओं की तरह पूजते हैं। उनकी पहली गुरु थी उनकी माता जीजाबाई। इन्होंने पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। अफजल खान शिवाजी को मार देना चाहता था, जिसके लिए उसने एक रणनीति बनाई, लेकिन शिवाजी को पहले ही इस बात का अंदेशा था और उन्होंने अपने पास मौजूद हथियार से ऐसा वार किया कि अफजल खान का पेट ही चीर दिया। फिर अफजल खान की सेना को भी शिवाजी ने धो डाला। नौसेना का निर्माण भी भारत में पहली बार वीर शिवाजी ने ही किया था। 4 किले और 2000 सैनिकों से शुरुआत करने वाले छत्रपति शिवाजी की मौत तक ये किले 300 हो चुके थे और उनके पास 1,00,000 से भी ज्यादा सैनिक हो चुके थे। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की, जिनकी गिनती भारत के वीर योद्धाओं में की जाती है। इन्होंने बचपन में ही बिना किसी हथियार के एक शेर को मार गिराया था। बिना कुछ देखे ही अपना शिकार करने में परिपक्व थे पृथ्वीराज चौहान। अपनी प्रतिभा के बलबूते पर वो 16 साल की उम्र में ही दिल्ली के राजा बन गए थे। मोहम्मद गौरी के 18 बार वार में से 17 बार उसे चौहान से मात खानी पड़ी थी। जयचंद और मोहम्मद गौरी ने मिलकर चौहान से छल किया और धोखे से उन्हें बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज से नजरें झुकाने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि सच्चे राजपूत की नजर सिर्फ मौत झुका सकती है। आखिर में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों ही मौत आई। सम्राट अशोक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सम्राटों के सम्राट की उपलब्धि तो सिर्फ सम्राट अशोक को ही मिल सकी है। मौर्य राजवंश के तीसरे सम्राट सम्राट अशोक महन चंद्रगुप्त के पोते थे। ये इतने वीर थे कि इन्हें कभी भी किसी के भी आगे मात नहीं खानी पड़ी। कलिंग युद्ध में तो सम्राट अशोक ने इनके साम्राज्य पर ऐसा हमला किया था कि इतिहास का पूरा कालखंड ही बदल गया था। कलिंग युद्ध में 1,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हर तरफ खून की नदियां थी और लाशें ही लाशें बिछी थी, जिसे सम्राट अशोक ने अपनी आंखों से देखा और कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। इससे उनका मन बदल गया और फिर उन्होंने कभी जीवन में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली और फिर बुद्धिज्म का प्रचार करने में जुट गए। बात सम्राट मिहिर भोज की भी यही कर लेते हैं। इनकी भारत के महान सम्राटों में गिनती की जाती है। करीब 50 साल तक इन्होंने विदेशियों से देशवासियों की रक्षा की और इनके शासनकाल से ही भारत सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था। मिहिर भोज ने इस्लामिक आतंक को देश से खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये 6 बार अरब फौजों को उल्टे पांव लौटा चुके थे। दुश्मन मिहिर भोज से खौफ खाने लगे थे। सम्राट चंद्रगुप्त की बात करते हैं, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। इन्होंने 24 साल तक मौर्य राजवंश के तौर पर राज किया। चाणक्य की तेज बुद्धि के साथ की वजह से मौर्य देश का सबसे बड़ा साम्राज्य साबित हुआ। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंदवंत का नाश किया था। इन्होंने सम्राट घनानंद से युद्ध किया और उसे हरा दिया और फिर ग्रीक से आए लोगों को भी इन्होंने भारत से मार भगाया। ये भारत के कुछ ऐसे वीर थे जो भले ही इतिहास में कैद हो गए हो, लेकिन इनके शौर्य और पराक्रम के चलते इन सभी वीर योद्धाओं को देश हमेशा हमेशा याद रखेगा। अगर आपके मन में ऐसे ही किसी योद्धा के बारे में जानने की इच्छा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आगे भी इस तरह की विशेष रिपोर्ट्स आपके सामने लाते रहें।